हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यम्मी मावा कुल्फी बनाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीका से। और इस कुल्फी की खास बात क्या आपको पता है? इसे बनाने के लिए आपको दूध को घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट इंस्टेंट 5 से 10 मिनट में बन जाती है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फटाफट कुल्फी, मावा कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो गैस पे पैन रखेंगे, पैन या फिर कढ़ाई, उसमें 1.5 कप के बराबर हमें दूध डालना है। 1 से 1.5 कप हमें दूध डालना है इसमें। उसके बाद दूध में उबाल आने देते हैं, तब तक चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो इधर उबाल आने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये मावा वाला पेड़ा लिया है, होटल से मैंने लिया है ये। तो आप इस तरह से हलवाई की दुकान से आप ले सकते हैं इस तरह का पेड़ा। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 पीस लिया है पेड़ा। उसे हमें डालना है ग्राइंडर जार में और इसे हमें पीस के एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से आज हम बिल्कुल यूनिक तरीका से ये कुल्फी बनाने वाले, मावा कुल्फी। और इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम मावा वाला कुल्फी जैसा आएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। उस तरह से आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से इस कुल्फी का जो मैंने पेड़ा का पाउडर बनाया था, उसे हम दूध में डालकर अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हमें साथ में इसमें चीनी भी डाल देंगे। 1/4 कप के बराबर मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। वैसे आप चीनी अपने मिठास के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो पेड़ा में ऑलरेडी चीनी होता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चीनी ऐड कर लें। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये बस इसे इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये पहले इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद हम इसे कुल्फी मोल्ड में आप फिल कर देंगे। तो अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो कुल्फी मोल्ड में बनाएं, अदरवाइज आप इसे छोटे साइज का कप में या फिर ग्लास में बना सकते हैं। या फिर आप अगर आपके पास पेपर कप है तो आप पेपर कप में बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें बनाएं। उसके बाद इसे फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना जाए। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक रैप से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में हमें कट लगा देना है नाइफ से और यहाँ पर हमें आइसक्रीम स्टिक को डालना है। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्पून को उल्टा करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे ग्लास में रख लेती हूँ ताकि ये ना गिरे। उसके बाद चलिए इसे 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देते हैं या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 घंटे बाद मैंने कुल्फी को निकाल लिया है और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी में डाल करके और इसे डिमोल्ड करेंगे। इस तरह से हाथ पे घुमाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी हमारी ये मावा कुल्फी बनी है। इसका टेस्ट बिल्कुल मावा वाला कुल्फी के जैसा है। तो आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल इंस्टेंट कुल्फी बनाने का तरीका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।